सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक का रिड्यूसिंग एजेंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम क्या बात करेंगे आज, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में। क्या? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में। तो इसमें हम लोग जितना भी आपका हाइड्रोजनेशन, जितना टाइप का, राइट, यहाँ पे जितना भी होगा ना, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मतलब हाइड्रोजनेशन का एक एक वर्ड, हालांकि एक एक वर्ड, हालांकि जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो सारा हम अभी हम क्या इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हाइड्रोजनेशन का एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन भी क्या प्रीवियस ईयर पेपर इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पर क्या पढ़ना, हम देखिए जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे मेटल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोई सपोर्टिंग सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन मेटल। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ये मेटल, मेटल में क्या क्या हो सकता है, ये क्या पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, निकेल और रुथेनियम हो सकता है। ये सब, ये सारा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसमें सपोर्टिंग सब्सटेंस में क्या क्या आता है, चारकोल जिसको हम कार्बन भी बोलते हैं, सेकंड BSO4, थर्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए इससे बना सकते क्या H2PD और C, ये पढ़े होंगे, राइट, H2PDC, यही पढ़े होंगे, यही पढ़े होंगे। नाम देख लीजिए, नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा आपका रोजेनमंड रिएक्शन। ये क्या होगा आपका लिंडलार कैटलिस्ट हो गया, ये हो गया। अभी हम किससे बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में, कौन H2PDC वाले, राइट, इसका सारा कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिएगा हम क्या बात करेंगे, पहला H2PDC। तो ये H2PDC आपको पता है क्या करता है, पता है ना, देखिए ये जो सारा था, ये जो आपका था यहाँ पे H2PDC, ये क्या करता है आपका अल्कीन को अल्केन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, राइट। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से CH3 और CH3, यहाँ पे क्या डाल दिया हम, यहाँ पे डाल दिया, अगर हम डाल दिए क्या H2PDC, क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH3 हो गया, राइट, इस टाइप से बनाता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, तो पता है बेसिक। अब हम बात करते हैं मेन थोड़ा सा। अब देखिए जैसे हमें क्वेश्चन लेके समझा रहा, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कोई दिया इस तरह से, बोल दिया क्या H2PDC, राइट, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल क्या करेंगे, जो अल्की थे उसको किस में करेंगे, अल्केन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, ये इसमें नहीं, यहाँ पे क्या एक H आ जाएगा और एक यहाँ पे H आ जाएगा, राइट, अब वो डबल बॉन्ड फट जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है, राइट, ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे अगर H2PDC डालें तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका इस तरह से, ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे H, मतलब इसको हम नहीं लिखते हैं ना, तो इसको छोड़ दीजिए, समझ में आया, तो इस तरह से बन जाएगा, ये आपका 5-MER रिंग है, ये हो गया, बात ये रहा। अब देखिए ये सब तो आपसे बन जाएगा, बोल के हाँ ये सब में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये तो हमसे बन ही जाएगा, ये तो ईजी भी है। अब देखिए मैटर आता है यहाँ पे, और आप लोग क्वेश्चन ये देते, ये दे। अब बोलेंगे क्या H2PDC, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे कि हमको वन इक्विवेलेंट यूज करना, मतलब कि हमको एक ही बार यूज करना है, तो कौन सा यूज होगा। अब यहाँ पे मैटर फंसेगा, यहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग यहीं पे डाउट करते होंगे। देखिए तो ये आपको करना क्या है, देखिए ये जो है ना, ये हमेशा क्या लेस हिंडर साइट पे, क्या लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, साइट पे क्या करेगा अटैक करेगा। देखिए अटैक करेगा। अब कौन है लेस हिंडर्ड, क्या
मोर हिंडर है, क्या मोर हिंडर है, ये जो आएगा किसको करेगा रिड्यूस, इसको करेगा इस वाले को। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर जस का तस रहेगा, ये हो जाएगा। समझ में आया, तो स्टेप से एक दो और अगर हम बात करें, जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे H2PDC आया, H2PDC, तो क्या करेगा, सारे रिड्यूस कर देगा दोनों, क्या है इस तरह से हो जाएगा राइट। और बात है कहीं पे ये दिया होगा, इस तरह दिया हो, इस तरह से, इस तरह से दिया हो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और क्या है CH3 और CH3, और यहाँ पे इस तरह से दिया होगा राइट। यहाँ पे क्या दिया, H2PDC राइट, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए ये आपका क्या है मोर हिंडर, ये क्या आपका लेस हिंडर। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और ये आपका जस का तस रहेगा, क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3 और CH3 राइट, ये हो गया। समझ में आया, तो अगर कभी भी आपसे यहाँ तक ये सब पर क्या कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। तो कभी भी आपको अगर अल्किन दिया हो राइट, अल्किन दिया हो, दो दिया हो इसमें लेस हिंडर पे, अगर इसका बात करें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो वो देख लीजिए। अगर हम बात करें क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ध्यान दीजिए, हमेशा सबसे पहले सबसे सबसे फास्ट किस पे अटैक करेगा, ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, चारों पे क्या आना चाहिए लेस हिंडर, ये सबसे ज्यादा। उसके बाद इस तरह से आप बोल सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी तरह से सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच, इस तरह से, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मेरा क्या करने का इंटेंशन है, वही बस एक एक आर बढ़ाते जाना है राइट, इस तरह से एच और यहाँ पे आर, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा, वही सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे आर। समझ में आया, तो ये क्या हुआ रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया किसका, H2PD और सी का। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्टिविटी पूछे तो क्या होगा, लेस हिंडर साइड पे मोर प्रेफर करेगा अटैक करना, कौन H2PDC। ये तो हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, हम दो चीज देख लिए, पता क्या H2PDC काम क्या करता है, अल्किन को अल्केन में कन्वर्ट करता है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए क्या है वो, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसे देखिए, इस तरह से कोई क्वेश्चन हो CH3 और यहाँ पे CH3 H डालते हैं, H इस तरह से, और यहाँ पे CH3 हो गया। और हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डाल दिया क्या H2PDC, ये तो बोलिए सर ये तो सिंपल है, क्या बनेगा CH3, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, हाँ यहाँ पे एक एच। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात रहा यहाँ पूछेगा क्या मीजो बन रहा है इनएनसीओ बन रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है मीजो इनएनसीओ, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका H2PDC रहे, ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या बात करेंगे इनएनसीओ, मतलब की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ H2PD और C के बारे में। देखिए जब भी बात किया जाए H2PDC के बारे में, ये आपका देता है सीन एडिशन, क्या देता है सीन एडिशन, मतलब सेम साइज से अटैक करेगा। इसे यहाँ पे देखा जाए, ये देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सी डबल बॉन्ड सी, CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे एक एच, सॉरी यहाँ पे क्या CH3 और यहाँ पे एक एच। अब क्या होगा, या तो दोनों यहाँ पे जो H है H, या तो दोनों इस साइड से आ जाए, यहाँ पे आ जाए इस तरह से, या ऊपर से आ जाए
ऊपर से आ जाए, तो बात रहा कि किधर से आना चाहिए, ऊपर से या नीचे से, तो मतलब कि ये नीचे से आएगा ऊपर से आएगा, तो इसका केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर में आया तो ये तो देख लीजिए, अभी तो समझा देते सिर्फ, मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, अगर हम बात करें एस टू पी डी और यहाँ पे सी बात करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको मिटाते हैं, अभी समझाएंगे, बस ध्यान दीजिए कि जैसे ये सेम साइड हो गया राइट, तो इस तरह से क्या होगा, ये लग जाएगा आपका, ये तो बात कर ही चुके हैं राइट। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी अगर ये बात किया जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप एक रूल को फॉलो कीजिएगा, ताकि वो आसान है, उसको आप लोग याद रख सकते हैं, आसान है राइट। देख लीजिए कि क्या होगा, मीजो बनेगा इन एन सी वन पेपर क्या बनेगा, उसके बाद बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले आपको कुछ बता देते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें एस टू पी डी, इसको ध्यान रखिएगा, सी ये आपका क्या देगा, सीन एडिशन, क्या देगा, सीन एडिशन। दूसरा और हम बात करें क्या, ओ एस ओ फोर, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी आपको देता है सीन एडिशन, ये आपका मतलब कि अल्कोहल, अल्कोहल बनता है, मैं इस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ। तीसरा बी आर टू सी सी एल फोर या सी एम ई टू या सी एस टू, ये रहे, ये क्या देगा आपका, देगा एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, समझ में आ, सीन, सीन मतलब दोनों सेम साइड से एंटी, मीन्स एक इधर से एक, मतलब एक नीचे से अटैक एक ऊपर से अटैक करेगा राइट, समझ में आया। तो ये हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सीन देता है कौन एंटी देता है, इसी से कोई एग्जाम में हो जाएगा, मोस्टली ये पूछता है ये पूछता है, ये तो आपका मतलब कि आगे जाकर पूछता है, ये भी बता देंगे ठीक। तो इसको ध्यान रखना है क्या कि एस टू पी डी सीन एडिशन और बी आर टू सी सी क्या देगा, एंटी एडिशन देगा। अब देखिए हम करना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिए, आपको एक रूल याद रखना होगा, रूल क्या याद रखना है, रूल एटीएम रूल, ए टी एम रूल। अब ये क्या होता है, तो देखिए ए मीन्स क्या होता है, एन टी राइट, टी मीन्स क्या होता है, ट्रांस, और एम मीन्स क्या होगा, मीजो। बस करता है क्या, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, हम इस तरह समझाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या डाल दिया, बी आर टू सी सी एल फोर राइट, ये डाल दिया, क्या डाल दिया, बी आर टू सी सी एल फोर, और पूछा कि क्या बना है प्रोडक्ट। तो देखिए तो ये क्या है आपका, हमेशा क्या करना है कि देखिए जब भी आपको तो दो चीज़ पता होगा कि ये क्या सी से ट्रांस, ये तो पता चल ही जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए हम यहाँ पे बात कर लिए कि क्या कौन देता है, सीन कौन देगा, एंटी कौन देगा, आपके एग्जाम में यही सी से आएगा, आपको आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। तो देखिए बी आर टू ये क्या आपका एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन, ये क्या देता है आपका, ये आपका देता है सीन, क्या है आपका सी से है ना। अब देखिए इसमें देखिए आपको करना है कि कम से कम एक मैच करना है, एक को मैच करना ही करना है। देखिए यहाँ देखिए ए टी एम तो एन टी तो ए से एन टी, यहाँ एन टी हो गया, देखिए टी से ट्रांस, यहाँ पे क्या सी से सी है ठीक। तो देखिए एन टी इसका भी और एन टी इसका मैच कर गया, बस हमको क्या करना है, दोनों को डिफरेंट करना है। यहाँ पे क्या आपका ट्रांस, तो यहाँ पे क्या सी सही है, यहाँ पे मीजो तो क्या बनना चाहिए, मेरा मीजो नहीं, क्या बनेगा, इनेंसियोमर पेयर बनेगा, क्या बनेगा, इनेंसियोमर पेयर ठीक। तो क्या बनेगा इस तरह से सी एस थ्री सी एस थ्री, इस तरह सी एस थ्री हो गया, इनेंसियोमर पेयर क्या हो जाएगा एच एच, ये बी आर टू है ना, तो बी आर यहाँ पे बी आर, सॉरी तो इनेंसियोमर हो जाएगा एच, यहाँ पे बी आर राइट। इसको और तक क्लियर करते हैं आपको समझाने के लिए, पर अब इतना नोट कीजिए तो जल्दी से इसको और अच्छे समझिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से इसे बात की क्या ए टी एम राइट, क्या इसका मतलब क्या एन टी, इसका मीन्स क्या ट्रांस, ये क्या हो जाएगा मीजो। मान लीजिए कोई एक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबस्ट्रेट जो देखिए ये क्या है मेरा, ये देखिए ये मेरा क्या हुआ सबस्ट्रेट है, क्या है ये क्या मेरा रिएजेंट है, कौन है रिएजेंट राइट, और ये क्या मेरा बनेगा यहाँ पे एनसीओमर, ये क्या प्रोडक्ट का बात कर रहा है राइट। अब देखिए करना, जैसे मान लीजिए
कोई क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, उसमें क्या आपका सबसे शीर्ष है, क्या शीर्ष है, और ये भी मान लीजिए उसका क्या दिया हुआ है, एक तरह से एंटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंटी दिया हुआ है। अब देखिए तो शीर्ष शीर्ष यहाँ पे याद रखिए ट्रांस है शीर्ष है, बस हमको एक मैच करना है, एंटी है एंटी है, तो बस एक मैच कर गया ना, बस हमको मैच अप नहीं करवाना है, बस एक ही मैच करवाना है, तो बस एक मैच हो गया। अब क्या ये मेजो है, तो अब मेजो प्रोडक्टिव है, क्या बनेगा, इनेंसियोमर पेयर बनेगा, इनेंसियोमर पेयर बनेगा, इनेंसियोमेटिक क्या बनेगा पेयर बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल दे देते हैं कि यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे क्या ट्रांस है, देखिए इससे बात करें यहाँ पे क्या ट्रांस है, ट्रांस है, तो ट्रांस ट्रांस मैच कर गया, अब हमको दोनों मैच नहीं करवाना होगा, तो यहाँ पे क्या एंटी है, क्या हो जाएगा सिस, एंटी है तो क्या सिस, और मेरे तो क्या हो जाएगा इनेंसियोमर हो जाएगा, राइट right? एक पेयर हमको करवाना ही करवाना है, समझ में आया, इस जैसे इसका एग्जांपल से आप क्लियर कर देते हैं आपको। हाँ मेरे पास है एग्जांपल, चलिए देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्या है क्वेश्चन देखिए, सी डॉग ऑन सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे आर, यही क्वेश्चन है, क्या है यही है ये क्वेश्चन है। अब यहाँ बोल रहा है क्या एस टू पी डी सी, देखिए आम समझिए क्या है, एस टू पी डी सी है, तो एस टू पी डी सी है तो क्या होगा वो बता दें, ये क्या आपका दिख रहा है ना, ये क्या सीस है, ये क्या आपका एस टू पी डी सी क्या देता है सीन देता है सीन। अब देखिए यहाँ पे सीस सीस देखिए, तो सीस यहाँ पे क्या ट्रांस है, क्या देखिए सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट आपका क्या, यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे सीस है, यहाँ पे ट्रांस है, मैच नहीं हुआ, यहाँ पे सीन है, यहाँ पे एंटी है, मैच नहीं हुआ, मतलब हमको ये 100% मैच होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट क्या होगा मेरा मीजो बनेगा, क्या बनेगा मीजो, मीजो बने तो क्या हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे सी एस थ्री डालिए और यहाँ पे सी एस थ्री डालिए, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए मेजो बनाइए, मेजो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, एच यहाँ पे आर, तो यहाँ पे एच, इसका मेज भी बना सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एस थ्री, ठीक, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या सी एस थ्री, इस तरीके से बना सकते हैं। इस पर और हम क्वेश्चन कभी करवाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तब तक इतना वो सॉल्व कीजिए, अगला लेक्चर में क्या इसका जो सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन हम सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।